अच्छा जी मुझे कुछ कहना है एक ऐसा सेगमेंट जहाँ नौजवान अपने जो नज़रियात हैं अपनी जो सजेशंस हैं अपने थॉट्स हैं वो हम तक और आप तक पहुँचाएंगे उनको हम एक टॉपिक देंगे आ, मुझे यहाँ मेरे नौजवान दिख अरे यहाँ मेरे साथ मौजूद है जी तो आज का टॉपिक है आम, क्या हम आज़ाद मेरे साथ मौजूद है कौन नाम फ़रातुल हसन जहांगीरी है मेरा और मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन से ताल्लुब रखता हूँ ज़बरदस्त तो आज आप बात कर रहे हैं क्या हम आज़ाद है और आपका वक्त शुरू होता है अब तेरी मिट्टी है खुशबू तेरी ख़ाक सितारा है पाकिस्तान से हम हैं पाकिस्तान हमारा है सदर अली बकार क्या हम आज़ाद हैं सवाल दिलचस्प है जवाब भी दिलचस्प होना चाहिए जनाबे वाला जब हम एक थे जब हम मुतहद थे तो कायदेम की क्यादत में आजादी की खातिर पाकिस्तान बना डाला उन्नीस सौ पैंसठ में जब भारत ने जारियत का इतकब किया तो अब पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले करके दुश्मन के नापाक खाक में मिला दिए पाकिस्तान के पहले वजीर अजम लियात अली खान ने जहांगीर पार्क में फिजा में मुक्का लहरा कर दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास दिलाया फिजा में मुक् लहराते हुए कहा कि बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम सौ बार कर चुका है तू इमतहाँ हमारा सदर राज्य वकार ये सारी बातें ये सुनहरे कारनामे उस वक्त के हैं जब हम एक थे जब हमारे अजाइम एक थे जब हमारे हौसले हमारे जज्बे हमारे इरादे एक थे जब हमारा यकीन हमारा ईमान हमारा भरोसा था कि मुनफाद एक है इस कौम की नुकसान भी एक एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक हर पाक भी अल्लाह भी क़ुरान भी एक कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक सदर अली वकार जो मुल्क आज़ादी के नाम पर कायम हुआ था आज उसे आज़ाद हुए पिछहत्तर बरस गुज़र चुके हैं लेकिन ये सवाल क्या हम आज़ाद हैं इसलिए है कि आज भी इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून नाफिज है जमूरीत के बुनियादी पामाल हैं औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है बुनियादी इंसानी हकूक के हलक पर छुरी फेरी जा रही है और हमारा निज़ाम अदलोफ हुक्मरानों की करप्शन की भेंट चढ़ चुका है हाँ हम आज़ाद हैं करप्शन और लूट खसूट का बाजार गर्म करने में आज़ाद है चोर चोरी करने में आजाद है कर, करप्शन करने में आजाद हैं और ताजिर पचास रुपए की चीज़ सौ रुपए में बेचने में आज़ाद है स्ट्रीट क्रिमिनल्स स्ट्रीट क्राइम करने में आज़ाद है और हमारे हुक्मरान चैन की नींद सोने में आज़ाद है जनाबे वाला हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जहां अलामा इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जिसके मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने फरमाया कि किसी भी हुकूमत का पहला फर्ज अमन वमान बरकरार रखना है ताकि रियासत अपने शहरीों के जानो माल और मजहबी अकएद की पूरी तरह से हिफाजत कर सके हमें अपने हुकूक के लिए उठना होगा कि नहीं उठना बगावत को तो मर जाओ कहीं जाकर ये सहना रोज की जिल्लत ये जीना रोज घबरा कर जो बुजदिल रह के जिंदा हो मुकद्दर उनका सोता है हम उसके मुस्तहिक हैं जो हमारे साथ होता है हम उसके मुस्तहिक हैं जो हमारे साथ होता है सुबह लवली बीच, आगे। बीच आगे। में वाह वाह की आवाज़ें आई थी तो हम क्या इंतज़ार करें एक दफ़ा सारे बच्चों की सुन ले तकरीर उसके बाद मेरे ख्याल से जजमेंट की तरफ अपने जजेस की तरफ आते थैंक यू फिराज यू बो लवली